जमीन है ना हमारे पास, जैसे पैसा कौड़ी कुछ नहीं, रुक जाएंगे तो आइए, तब यहाँ पे काम धंधा नहीं, रुक जाएंगे नहीं। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग गए हैं, पहली बार जा रहे हैं? नहीं, हम तो फैमिली सहित तो पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले हम अकेले गए। भले ही कोरोना की सेकंड वेव के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक शुरू हो गया हो, लेकिन इस लॉकडाउन का असर गरीब तबके पर काफी पड़ा है, जिसके कारण मजदूर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है, जहां रोजगार के लिए मजदूर अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। मजदूरों की माने तो दूसरे राज्यों में उन्हें अच्छे रुपए मिल जाते हैं, लेकिन अपने जिले में उन्हें रोजगार के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी के चलते वो दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली। किस लिए जा रहे हैं? काम करने के लिए। अच्छा, यहाँ आपको काम नहीं मिल रहा क्या? नहीं, काम है, यहाँ मजदूरी सस्ती है। तो इससे पहले भी आप गए हैं या पहली बार जा रहे हैं? बहुत बार गए हैं। अच्छा अच्छा, अकेले जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं? अकेले हैं। अच्छा, और गाँव के कोई लोग जा रहे हैं? गाँव के हैं। कितने लोग जा रहे हैं लगभग? 10-15 लोग। संतोष कुमार। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देहरादून। अच्छा, काहे के लिए जा रहे हैं? काम करने के लिए। अच्छा, इससे पहले आप लोग गए? ये पहली बार जा रहे हैं? पहली बार नहीं, पूरी जिंदगी वहीं से हो गई। अच्छा, पूरी जिंदगी में। कौन कौन जा रहा है आप लोगों के साथ में? ये परिवार है, अंकल है, पूरा परिवार है हमारा। पूरा परिवार है। यहाँ काम नहीं है? काम क्यों नहीं है? नहीं, यहाँ काम, वहाँ आपको क्या मिलता है? ज्यादा मजदूरी मिलती है क्या? कुछ मजदूरी मिलती है और क्या, किस लिए जाते हैं? मजदूरी के लिए तो जाते हैं। वहीं जिले में मजदूरों के पलायन को लेकर MLC शशांक यादव ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये सरकार की बड़ी नाकामी है, तभी तो गरीब मजदूरों को अपना शहर छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है। लॉकडाउन खुलने की खबरें आते ही जिस तरीके से गांव देहात से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन शहरों की तरफ वापस शुरू हुआ है, ये सरकार की मनरेगा नीति का बहुत बड़ा फेल्योर है। उत्तर प्रदेश में केवल 204 रुपये मनरेगा में मिल भी रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट भी कम कर दिया, लगभग 40% जो बजट कम किया है, इससे देहात में लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है और 204 रुपये में उनकी गुजारा भी नहीं चल पा रहा है। और उसमें भी जो 204 रुपये हैं, उसमें भी तमाम तरह की लाल फीताशाही और कमीशनबाजी का खेल आज भी जारी है। सरकार को चाहिए कि मनरेगा कम से कम 200 दिन करे गारंटी और 400 रुपये इनकी दिहाड़ी को फाइनल करे, तभी कुछ कल्याण हो सकता है। वरना जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़कर लोग निकल रहे हैं और ज़बरदस्त भीड़ है बसों में और ट्रेनों में, ये कहीं ना कहीं एक नई समस्या ना खड़ी कर दे, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि शहर भर में कोरोना के मामले तेजी से कम हुए हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकारों ने फिर से कारोबार को शुरू करने की इजाजत दे दी है। इसी के चलते मजदूर लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। लखीमपुर से शारिक खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।